5 वर्ष के मासूम शैतान को ढूंढने के लिए दिन रात पुलिस जाट क्षेत्र के जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है, मगर अब तक बच्चे का कोई भी पता नहीं चला है। दरअसल सिंगोली तहसील के ग्राम जाट से विगत शुक्रवार सुबह लापता हुआ बालक अब तक नहीं मिला है। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र के सभी कुएं, बावड़ी और नदी नालों में तलाशी के बाद जंगलों में भी डॉग स्क्वाड का सहारा लेकर बच्चे की तलाश की गई है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी सफलता नहीं मिली है। उधर बच्चे के माता पिता के सब्र का बांध भी टूटने लगा है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पुलिस ने बालक का एक फोटो भी जारी किया है ताकि आम लोगों का सहयोग मिल सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे ग्राम जाट निवासी भेरूलाल बिल अपनी पत्नी के साथ लकड़ियां लेने जंगल गए थे। तब वे अपने छोटे बेटे शैतान को 2 भाइयों के साथ घर पर ही खेलता हुआ छोड़कर गए थे, लेकिन जब वे दोपहर 12 बजे वापस लौटे तो शैतान घर पर नहीं मिला। पहले उन्होंने आस पड़ोस में पूछताछ की तथा बाद में गांव में तलाश की। जब उसका कहीं पता नहीं चला तब पिता भेरूलाल ने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद से पुलिस ने लगातार कई लोगों से पूछताछ की, जबकि गांव के आसपास सभी कुएं, बावड़ी और पानी भरे गड्ढों में तलाश की गई, लेकिन बालक का कहीं पता नहीं लगा। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर डॉग स्क्वाड का सहारा लेते हुए आसपास जंगलों में तलाश की गई, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है। बालक शैतान के लापता होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई बच्चा चोरी होने का अनुमान लगा रहा है तो कोई उसके साथ अनहोनी घटना घटित हो जाने की भी आशंका जता रहा है। वहीं मामले में नीमच के एडिशनल SP सुंदर सिंह कनेश ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले में 3 टीमें एक काम कर रही है, जो सरगर्मी से बच्चे की तलाश कर रही है। फिलहाल बच्चा अभी तक नहीं मिला है। देखिए, जो घटना दिनांक करीब सुबह 9 बजे के आसपास माता पिता जो है जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे और करीब 5 वर्ष का जो बालक है उनका, वो भी उनके पीछे पीछे गया और उसके बाद से जब वापस नहीं आया तो उसके बाद फिर उन्होंने चौकी में रिपोर्ट किया कि बालक जो है सुबह से घर से गया हुआ है, वापस नहीं आया। इस पर से जांच की जा रही है, सिर्फ खोजबीन भी की जा रही है। हमारा यहाँ से जो ट्रैकर जो डॉग होता है, डॉग को भी वहाँ पर भेजा गया है और कोशिश की जा रही है कि जंगल में थोड़ा सर्च किया जा रहा है और जो आसपास के जो रास्ते हैं और CCTV फुटेज वगैरह जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है उनको भी तलाश की जा रही है, उनको भी देखा जा रहा है। देखिए, दोनों चीज़ें संभावना, या तो बच्चा किसी के साथ चले गया या फिर जंगल में अगर गया है तो वहाँ पर लकड़बग्घा आदि जो जंगली जानवर भी वहाँ पर देखे गए हैं तो उसके साथ कोई घटना भी घटित होने की संभावना है। तो इन सभी संभावनाओं को देखते हुए उसको सर्च किया जा रहा है। नहीं, हमारी करीब 3 टीमें लगी हुई है और तीनों टीमें जो है अलग अलग एक CCTV फुटेज को देख रही है और उधर बेगू और हमारा जो चित्तौड़गढ़ वाला रास्ता है इधर और आपका विजयपुर और भी रास्ते हैं जो राजस्थान को टच करते हैं, उन रास्तों में भी लगातार हमारी टीम सर्च कर रही है।